सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर आई के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Xiaomi ने कर दिया है एक बड़ा धमाका अपने Mi Mix 2 को लॉन्च करके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि Xiaomi का यह फोन डिजाइन के मामले में बिल्कुल अलग है। सीधे शब्दों में कहूँ कि Xiaomi इस बार बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है अपने इस फोन के साथ में। यानी कि आप थोड़े कम पैसों में 60-70 हजार रुपए के फोन वाला फील कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए इस फोन के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि Xiaomi के इस बॉम्ब में कितना दम है। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी में ये फोन बिल्कुल अलग बनाया है Xiaomi ने पहली बार। मेरा मतलब है बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। और अगर मैं स्क्रीन साइज की बात करूं तो 5.99 इंच की इसकी स्क्रीन होगी जिसका रेजोल्यूशन होगा 1080x2160 पिक्सल 403 ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि 5.99 इंच की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि इस फोन की डिस्प्ले तकरीबन 6 इंच की होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं यह फोन बेजल लेस है, यानी कि जो आप 5.5 इंच की स्क्रीन वाला फोन चलाते हो यह फोन भी लगभग उतना ही बड़ा होगा क्योंकि इसके बेजल्स को लेस कर दिया गया है जिसकी वजह से फोन का लुक काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है जैसा कि आपने देखा होगा सैमसंग के नोट में। तो कुल मिलाकर बेजललेस डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के मामले में फोन काफी अच्छा है और साथ ही फोन को पहले से थिन कर दिया गया है। Mi Mix 2 एंड्रॉइड के 7.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट होगा और साथ ही एड्रीनो 540 का जीपी होगा। बात करते हैं इसके स्टोरेज की। यह फोन तीन वेरिएंट में लॉन्च होगा 64 GB, 128 GB और 256 GB, जिसके साथ में आपको रैम मिल जाती है 6 GB की। और वहीं 128 GB वाले वेरिएंट में आपको रैम मिलती है 8 GB की। और अगर आप मेमोरी स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो इस फोन में मेमोरी स्पेस नहीं बढ़ा सकते, यानी कि माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। चलते हैं इसके कैमरा पर। 12 MP का रियर कैमरा दिया गया है जो कि डुअल टोन LED फ्लैश के साथ में होगा जिसमें कि आपको HDR पैनोरामा मोड मिल जाता है। अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो 5 MP का आपको सेल्फी शूटर मिल जाता है। बाकी आपको Xiaomi वाले सभी बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। 3400 mAh की आपको बैटरी मिलती है जो कि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब आखिर में बात करते हैं इसके प्राइस की। फिलहाल तो यह फोन चाइना में लॉन्च हुआ है और अब तक इसे लेने के लिए 500,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यानी कि इस फोन के खरीदने का एक्साइटमेंट Xiaomi के पहले वाले फोन से कुछ ज्यादा ही है। चलिए मैं इसके प्राइस बता देता हूँ। इस फोन के वेरिएंट कुछ स्टार्ट होने वाले 32,000 रुपए से लेकर 38,000 रुपए तक। यानी जैसा मैंने बताया यह फोन तीन वेरिएंट में लॉन्च होगा। जो बेसिक वाला वेरिएंट होगा उसकी कीमत मिनिमम 32,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए और जो ऊंचा मॉडल होगा यानी खास मॉडल की कीमत तकरीबन 38,000 रुपए के आसपास में होगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। मैं एक बात तो अच्छी तरह से जानता हूँ, इंडिया में Xiaomi के लवर बहुत सारे हैं और इसमें कोई शक नहीं है Xiaomi के फोन भी ठीक ठाक होते हैं। कम प्राइस में आपको ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अब देखते हैं यह फोन कितना कमाल दिखाता है इंडियन मार्केट में। अब आप मुझे प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए कि यह फोन कैसा है। क्या आप यह फोन 32 से 38 हजार रुपए की रेंज में खरीदना चाहोगे? वैसे मुझे कोई खास बड़ा रीजन मिला नहीं है इसे ना खरीदने का। एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यह चाइनीज फोन है, दूसरा थोड़ी सी बैटरी कम है और तीसरा डुअल रियर कैमरा होता तो कुछ बेहतर हो सकता था। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं हर तरह की टेक रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।